और एक विश्वास के साथ आप लोगों से कहना चाहूंगा, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो और जितने लोग मालेगांव की ये पवित्र भूमि पर बैठकर कथा सुन रहे हो, दिल से कहूं आप लोगों से, आप स्वीकार करिएगा, दुख की घड़ी में कोई आए चाहे ना आए, अगर आपने दिल से कर्जा हो गया, समस्या विकट हो गई, तकलीफ बढ़ गई, दुख बढ़ गया, आप शंकर भगवान के मंदिर में जाकर, ये जरूरी नहीं है कि आप सीहोर आए या कहीं जाएं, आप तो आपके घर के पास में जो शिव मंदिर हो उस मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर दो, वो धीरे धीरे दुख काटना प्रारंभ कर दे, काटेगा दुख। बस जल चढ़ाने का एक नियम है शिव जी का, शंकर भगवान को जो जल चढ़ाया जाता है दुख काटने के लिए, तकलीफ काटने के लिए, कष्ट मिटाने के लिए, तो एक नियम है शंकर भगवान का जल चढ़ाने का जो नियम है, जैसे ये गौल जलाधारी है, यहां से पानी गिरता है, ये शिवलिंग है, ये दो जो भगवान का पानी जहां बहकर जाता है ये गोल में से, तो यहां जो स्थान है ये सीधे भाग पर गणेश जी विराजमान है, लेफ्ट भाग में कार्तिकेय जी है, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जहां सुख सुंदरी है, ऊपर से जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है वो शंकर भगवान की पांच लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली और देव। जहां गोल भाग है, जहां शिवलिंग रखा हुआ है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है जिसको पीठिका कहते हैं। महाराज, जल चढ़ाने का नियम है, जब हमारे ऊपर दुख होता है, तकलीफ होती है, कष्ट होता है, बड़ी दिक्कत परेशानी होती है, तो हम जल चढ़ाते हैं, तो उस जल को चढ़ाने का नियम है पहले गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी की जगह, फिर माता पार्वती की पीठी का, उसके बाद जलाधारी को स्मरण कर जल धीरे धीरे शंकर भगवान पर छोड़ा जाता है। जब धीरे धीरे शिव जी पर जल चढ़ाएं, उसके बाद में आप अपने मन की कामना जब जल चढ़ाते जाएं और बाबा से कहते जाएं, बाबा रोज कामना कहने की जरूरत नहीं है, एक बार आप कामना करो और उसके बाद जल चढ़ाना प्रारंभ करो, और उसको कहना जरूर, तेरे दरबार से कोई खाली नहीं गया मेरे शंभु, मैं नहीं जानती, मैं तो इतना जानती हूं कि कंकर शंकर है और तू सुनता जरूर है, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, पर मृत्यु लोक में मेरा देव अधिदेव महादेव है, मेरी सुनेगा जरूर, और बाबा से विनय कर आप आइए। जल चढ़ाने का नियम, अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, तो ऐसे चढ़ा दो, और अगर मन कर रहा है डायरेक्ट शिव जी पे चढ़ाना हो तो तुम्हारी मर्जी है, उसमें कोई मना नहीं। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर का गुणगान, शिव का स्मरण, भगवान शंकर का मंत्र जाप किसको कहते हैं? ये वही समझ सकता है जिसके भीतर शिव समाया होगा। और एक विश्वास के साथ आप लोगों से कहना चाहूंगा, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो और जितने लोग मालेगांव की ये पवित्र भूमि पर बैठकर कथा सुन रहे हो, आप दिल से उसकी कथा सुनना, इस वाणी का, इस व्यासपीठ का एक शब्द हो सकता है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ कोई व्यक्ति, कर्जे में डूबा हुआ कोई व्यक्ति, गलत व्यसन में पड़ा हुआ कोई व्यक्ति को आपके द्वारा निकली हुई वाणी से भी बाहर निकाल सकता है। जैसे उस मां को कहा किसी ने, सीहोर वाला महाराज कहता है एक बार चले तो जा शंकर जी के मंदिर में, उसने पत्र भी लिखा, जब वो सीहोर वाला महाराज कहता है, चिल्ला चिल्ला कर कहता है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल, तो जा, 7 साल में उस बच्चे की वाणी वापिस आ सकती है जो पानी नहीं थी, जब वो वाणी मेरा महादेव दे सकता है, वो देखो उस माँ के चेहरे की खुशी, उस माँ के चेहरे की रौनकता, जिसका बेटा 7 साल बाद बोला हो, उसका आनंद देखिए कि कितना होगा, कितना आनंद होगा। एक बात और अच्छे से समझ लीजिए, जो बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, चाहे घर में बेटे हों, बहुएं हों, सास हो, ससुर हो, परिवार में छोटे छोटे बच्चे हों,
चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हो या चिड़चिड़ा स्वभाव हो, जरा जरा सी बात में क्रोध आ जाता हो, बोलने का भान नहीं रह पाता हो, शब्दों के बाण चलते हो, तो महाराज प्रदोष के दिन प्रदोष काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक जो पत्ता आपके पास में हो, पान का मिल जाए तो पान का, पीपल का मिल जाए तो पीपल का, बेलपत्र का मिल जाए तो बेलपत्र का, उस पत्ते पर मात्र थोड़ा सा शहद और 7 दाने चावल के रखकर घी का दिया लगा दो महाराज, और थोड़ा सा जल हाथ की अंजली में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कि इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी पार्वती सरस्वती विराजमान है, इसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे मेरे देवाधिदेव महादेव का 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप प्रकट है, उनका स्मरण कर जल चढ़ा दीजिए, और उसका स्मरण कर लो जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति करता, क्रोध करता, जिसको बोलने का भान नहीं होता हो, सम्मान नहीं देता हो, अपशब्द कहते, उनका स्मरण कर छोड़ेंगे एकदम, एक प्रदोष करेंगे दूसरे प्रदोष तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं, 2-3 प्रदोष कर देखिए बाबा कृपा कर। 3 जगह पर अगर कोई बीमारी ऐसी हो गई कि वो समाप्त नहीं हो रही, बड़ी बड़ी तकलीफ, मतलब एक बार दवाई अगर चालू हो गई तो दवाई बंद ही नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको 3 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, मात्र एक हफ्ते से ज्यादा चढ़ाना भी नहीं पड़ेगा, जैसे एक हफ्ते आप टेबलेट लेते हो, गोली लेते हो, एक हफ्ते चढ़ाना प्रारंभ कर दो। सबसे पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्या करना है, जल का पात्र लेना है, उसमें 2 दाने चावल के डालना, 2 दाने अक्षत के डालिए, पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाओ वहां जल चढ़ाओ, फिर जाइए पीपल के वृक्ष के नीचे वहां जल चढ़ाइए, आखिरी में या तो शमी के नीचे या फिर आंवले के नीचे, इन दोनों में से कोई एक वृक्ष जिसके नीचे, पर एक हफ्ते अगर आपने आंवले में चढ़ाया है तो आंवले में ही चढ़ाना, शमी में चढ़ाया है तो शमी में चढ़ाना है, ये बदल के मत चढ़ाना कि आज मैं शमी में चढ़ा देती हूँ कल आंवले में चढ़ा दूंगी, ऐसा नहीं। शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल जो बहकर जाता है उसको 3 जगह पर जरूर लगाना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। 9 ग्रह जो शरीर पर राहु केतु मंगल बुध शनि परेशान करते हैं उसकी समाप्ति के लिए, शिव पर चढ़ा हुआ जल नैनों पर, कंठ पर, मस्तिष्क पर, 3 जगह पर, जिसके प्रतिदिन शिव पर चढ़ा हुआ जल लगता है उसको कभी 9 ग्रह परेशान नहीं कर सकते, शंकर की कृपा बरसती, शंकर की करुणा बरसती। कि पीला जो चंदन है वो घिस कर भगवान शंकर को किस लिए लगाते हैं, तो कहा चंदन लगाने के 2 कारण, एक भगवान को चंदन इसलिए लगाया जाता है कि उन्होंने जो विष पिया था उसकी तपन के कारण उनके मस्तिष्क पर चंदन लगाया जाता है, जिससे वो तपन विष की मेरे देव अधिदेव महादेव को नहीं। और दूसरा चंदन लगाने का कारण क्या बताया, तो कहा दूसरा चंदन लगाने का कारण बताया कि हमने अगर कोई पूजन में भगवान की पाठ करने में, पूजन करने में, भजन करने में, स्मरण करने में, कीर्तन में, हमने भगवान के मंत्र जाप में अगर कहीं कुछ